ये पोर्शे की इलेक्ट्रिक अपकमिंग सुपर कार। तो भाई ये है मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक जी वैगन। ये देखो अलग अलग टाइप की लाइट है, इंडिकेटर वगैरह, और वहाँ भी खड़ी है स्पोर्ट्स कार सामने, सारी दिखाऊंगा अभी। ये देख लो पहले तो लैम्बोर्गिनी अपकमिंग, और अलग अलग टाइप के एलॉयज हैं। देखो ये रहा एलॉय, गोल्डन, ब्लैक, सिल्वर, नीला, वहाँ हरा भी है। ये देखो भाई ये है BMW i4, नई BMW i7। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ गाइस प्रगति मैदान कन्वेंशनल सेंटर, जहाँ पे मैं लास्ट टाइम भी आया था। भारत मंडपम नए वाले कन्वेंशनल सेंटर का नाम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया नया ये ओपन किया था अभी थोड़े टाइम पहले। मैंने व्लॉग भी बनाया था जब मैं आया था, मोदी जी भी आए हुए थे। तो आज फिर से मैं आया हूँ गाइस। आज है मोबिलिटी एक्सपो, जो कि सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नई नई फ्यूचरिस्टिक गाड़ियाँ हमें देखने को मिलेंगी, और उसका भी आज इनवाइट आया था मेरे पास। तो आज मैं आ गया हूँ भारत मंडपम, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने एक भाई का जो कि PMO ऑफिस से आ रहे हैं मुझे रिसीव करने के लिए। तो उसके बाद हम जाएंगे अंदर और तड़कती भड़कती आने वाली फ्यूचरिस्टिक गाड़ियाँ देखेंगे, और फिर उसके बाद हमें मौका मिलेगा आज फिर से मोदी जी से मिलने का। लास्ट टाइम भी जब भारत मंडपम की ओपनिंग पे आए थे तो भी मोदी जी से मुलाकात हुई थी, और आज ज़िंदगी में सेकेंड टाइम मोदी जी से मुलाकात होगी। तो चलो भाई, जिन भाई का वेट कर रहा हूँ उनको आने देते हैं, फिर उनसे मिलके वो हमें अंदर लेके जाएंगे, एंड देन हम बहुत सारी नई नई गाड़ियाँ देखने वाले हैं गाइस। सरकार ने शायद फर्स्ट टाइम मोटो एक्सपो, जैसे पहले होता नहीं था वो प्रगति मैदान वगैरह में या नोएडा में मोटो एक्सपो लगता था, ये सरकार ने फर्स्ट टाइम मोबिलिटी एक्सपो गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज करवाया है। तो मज़ा आने वाला गाइस आज, क्योंकि आज हमें बहुत नई नई ज़बरदस्त गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो गाइस ये देखो दो पासिस आ गए हैं, ये वाला है मोदी जी से मिलने का, रचित रोजा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वाओ। और ये वाला है, यहाँ पे जितने भी एग्जीबिशंस लगे हैं हॉल नंबर 1 से लेके 5 तक, वहाँ पे सारी नई नई अपकमिंग गाड़ियाँ, मतलब पूरा मोटो एक्सपो देखने के लिए। तो ये वाला मैं अभी रख लेता हूँ, और 3 बजे मोदी जी आएंगे, ये उस वाले के लिए है। तो भाई यहाँ पे टोटल 5 हॉल है, हॉल नंबर 1 से लेके 2, 3, 4, 5। अभी हम 5 के 5 हॉल्स में मस्त मस्त गाड़ियाँ देखेंगे, और फिर 3 बजे मोदी जी आएंगे, फिर मोदी जी से मिलेंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, ये है हॉल नंबर 5, वो देख सकते हो ऊपर लिख रखा है हॉल नंबर 5। तो चलो अंदर चलते हैं। तो भाई हॉल नंबर 5 में ये सब है, देखो ये क्लीनिंग वगैरह की एसेसरीज, और ये नई बाइक रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 cc, और इसमें क्या क्या है देखते हैं। ओ भाई इंजन विंजन रखे हैं, तो देखना गाइस बाइक वाइक का इंजन है भाई ये। ये क्या है, हाइड्रोलिक्स। ये क्या है, हैवी ड्यूटी ट्रक्स के लिए स्टीयरिंग असेंबल, वाओ। देखो भाई भाई मैं तो ऐसे ऑटो एक्सपो में फर्स्ट टाइम आया हूँ, वो भी गवर्नमेंट वाले, और मेन तो मुझे देखनी है गाड़ियाँ। ये कंपोनेंट्स और पार्ट्स तो चलो जब तक आ रहे हैं दिखा रहा हूँ, मेन देखनी है फ्यूचरिस्टिक गाड़ियाँ क्या क्या है। मेन तो अभी तक भाई मेरे को यहाँ पे सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह ही दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियाँ कब दिखेंगी। हॉल नंबर 5 में हूँ मैं अभी, हो सकता है हॉल नंबर 4 में हो, फ्यूचरिस्टिक गाड़ियाँ 3 में हो, 2 में हो, या फिर 1 में भी हो सकती है। इतने एक्सप्लोर कर रहा हूँ भाई, कुछ नया देखने को सीखने को मिले, मतलब छोटी से छोटी लेके चीज़ है यहाँ पे, जैसे इंडिकेटर, अंदर की पाइपिंग, स्टीयरिंग, ब्रेक पैड, जितना भी सब कुछ एक व्हीकल में होता है सब कुछ, उसके बारे में अलग अलग स्टॉल्स है इधर। ये आ गया भाई कैफेटेरिया, इफ़ एनीबडी वांट टू ईट समथिंग तो अंदर जाके खा सकते हैं भाई। मैं तो घर से खा के आया था चाय और ब्रेड, तो हम तो यहाँ पे अभी नहीं खाएंगे क्योंकि टाइम भी कम है। 3 बजे मोदी जी भी आएंगे, और अभी टाइम 1:40 है, तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट है गाड़ियाँ देखने के लिए। गाड़ियाँ कहाँ हैं यार, ये स्पेयर पार्ट्स ही देखता रहूँगा क्या। तो अभी हम आगे हॉल नंबर 4 में, देखो अलग अलग टाइप की लाइट है, इंडिकेटर वगैरह, भाई पता नहीं क्या क्या पार्ट्स हैं यार। और ये देखो भाई अलग अलग टाइप की लाइट, और ये लाल बत्ती, नीली बत्ती, ये कहाँ पे लगाने की है भाई। ये भाई और भी लाइटिंग, यार मैं गाड़ियाँ ढूँढ रहा हूँ, गाड़ियाँ कहाँ मिलेगी मुझे। ये भाई कोई सेमी कंडक्टर वगैरह का, मेन मुझे गाड़ियाँ देखनी है, पार्ट्स वगैरह का अपना क्या काम यार, हमें तो गाड़ियों के शौक है, हम तो गाड़ियों के शौकीन है भाई, हम तो यार गाड़ियों के शौकीन है। वो एक गाड़ी दिखी यार, पर ये तो पुरानी है कोई मर्सिडीज़ की C200। अबे यार ये तो नॉर्मल गाड़ी है, अच्छा इसको कुछ वो दिखा रखा है, देखो भाई वाह देखो, इसको रिपेयर पे ऊपर चढ़ाने के लिए, ये प्लेटफॉर्म बेचने वाली कंपनी है, ये जो रिपेयरिंग का प्लेटफॉर्म बेचती है वो वाली कंपनी। पर हमें रिपेयर नहीं करनी भाई, हमें गाड़ियाँ देखनी है यार।
अंग्रेज वंग्रेज भी आए हैं भाई, कोरियन भी आए हैं। ये कौन सी गाड़ी है भाई? तो जिमनी है। लेकिन ये क्या बेच रहे हैं इधर? अच्छा अच्छा ये कोई पैरामेट कंपनी है जो ये सब करेगी, साउंड डैम्पिंग, नॉइज इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, कारपेट फ्लोर मैट। अच्छा भाई एसेसरीज की कंपनी है ये। नॉट इंटरेस्टेड गाइज, हमें चाहिए गाड़ियाँ। भाई जिस बंदे ने पासिस दिए थे ना मेरे को अभी जो मिला था गेट पे, तो उसने मुझे बताया था कि हॉल नंबर 1 और 2 में है गाड़ियाँ, और अभी मैं हॉल नंबर 4 में हूँ। तो भाई अब 3 पार करके 2 और 1 में जाऊँगा ना, जब मस्त मस्त दिख सकती हैं गाड़ियाँ। ये भाई एलॉय बेचने वाली कंपनी देखो, ये गाड़ी में डेमो लगा रखे हैं और अलग अलग टाइप के एलॉयज हैं। देखो ये रहा एलॉय, गोल्डन, ब्लैक, सिल्वर, नीला, वहाँ हरा भी है। तो भाई हॉल नंबर 5, 4, 3 और 2 सब देख लिए, बट गाड़ियाँ नहीं दिखी। तो अभी मैंने फ़ोन करा तो वो कह रहे हैं हॉल नंबर 1 में है मस्त मस्त गाड़ियाँ, तो अभी हॉल नंबर 1 जा रहे हैं। अच्छा थोड़ा ब्रीफ तो कर दूँ कि ये चल क्या रहा है। ये है भाई मेन इवेंट ना, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, 1 से 3 फरवरी का। आज 2 फरवरी है, तो आज मैं इसलिए आया क्योंकि आज ही मोदी जी को आना था और आज ही का मेरा इनवाइट था। 1 और 3 को भी मैं आ सकता था, बट मोदी जी नहीं आ रहे थे तो मैं नहीं आया इसलिए, क्योंकि मुझे तो मेन गाइस मोदी जी से मिलना है ना। और ये मत कमेंट करना या ये मत सोचना या ये मत बोलना कि इतना क्लोज करके मुंह में कैमरे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है आज यहाँ पे, एंड इसलिए मेरे को बिल्कुल कैमरे के अंदर मुँह घुसाना पड़ रहा है ताकि मैं मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ सके, वरना अगर मैं ऐसे करके बोलूँगा ना तो आवाज़ मेरी थोड़ी कम आएगी। तो गाइस ये आ गया हॉल नंबर 1 और यहाँ पे है भाई गाड़ियाँ, दिख गई मुझे भाई दिख गई, एक एक नंबर की गाड़ी अंदर गाइस। लो भाई देख लो, लड़कियों को नहीं गाइस, गाड़ियों को देखो। ये है मिनी कूपर, मिनी 3-डोर कूपर SE, तो ये अपकमिंग मिनी कूपर है नई वाली। ये देखो भाई ये है BMW i4। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन स्कैन। ये भाई लुक्स देख लो गाड़ी की। ओ भाई ये कैसी है, द i7, नई BMW i7। अच्छा पहले आती थी वो X7, अब ये इलेक्ट्रिक होगी फिर i7 है। तो ये है भाई BMW की द iX1। X1 आती है ना BMW की सबसे बेसिक SUV, उसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट है ये। और ये है द iX, रोल्स रॉयस लग रही है भाई। अच्छा जैसे ये सारी BMW की है, लेकिन मुझे बताओ मिनी कूपर यहाँ क्यों खड़ी है? क्योंकि मिनी कूपर भी BMW का ही ब्रांड है, समझे गाइस, इसीलिए BMW के बीच में मिनी कूपर भी खड़ी है। तो भाई ये फोर्स मोटर्स, किसी को भाई टेम्पू ट्रैवलर लेनी हो तो अपकमिंग फोर्स मोटर्स की ये है। ये है भाई एक देख लो, सफ़ेद कलर में, काले कलर में। ओ भाई ये तो सही लग रही है, ऐसी तो मैंने वहाँ देख ली थाईलैंड में, बढ़िया है ये तो। और एक और वो खड़ी सफ़ेद कलर की फोर्स मोटर्स की। अब देखते हैं इसुज़ू में क्या है अपकमिंग। इसुज़ू में ये है भाई ये देख लो, ये वाला, और ये वी क्रॉस, ट्रैवलर के शौकीन अपना ऐसे कैंपिंग कर सकते हैं, देख सकते हो भाई मस्त। होंडा ने भी भाई कुछ लॉन्च करा है, ये भी मैंने थाईलैंड में देखी थी ऐसी स्कूटी। और ये है भाई मर्सिडीज़ AMG, मर्सिडीज़ बेंज कलेक्शन में एक ही खड़ी है। नहीं नहीं नहीं, वो भाई कन्वर्टेबल भी है, रुको यार। तो भाई ये है मर्सिडीज़ की इलेक्ट्रिक G-Wagon, देख रहे हो, G-Wagon तो बहुत देखी होगी, लेकिन ये अपकमिंग इलेक्ट्रिक G-Wagon है मर्सिडीज़ की। ये कितने करोड़ की है पूछता हूँ। तो भाई मैंने G-Wagon का रेट पूछा, इन भाई से कह रहे हैं अप्रोक्स 4 करोड़ रुपीज़ की, 4 करोड़ रुपए की ये इलेक्ट्रिक G-Wagon पड़ेगी। तो भाई ये बंदा बिना पूछे अंदर घुस गया था, इसको बाहर निकाला। अरे वो सब छोड़ो, आगे से हटो भाई। ओ भाई ये देखो ना चीज़, मर्सिडीज़ की अपकमिंग कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार, भाई साहब गदर चीज़ है यार। ये भाई लैम्बोर्गिनी की अपकमिंग गाड़ी, वाओ। ओ भाई पीछे से देखो कितनी सेक्सी है, देखो सही है यार। नाम क्या है इसका? रिवेल्टो करके कुछ है। और वहाँ भी खड़ी है स्पोर्ट्स कार सामने, सारी दिखाऊंगा अभी। ये देख लो पहले तो लैम्बोर्गिनी अपकमिंग। यहाँ भाई सारे बावड़े हो रहे हैं गाड़ियों के साथ फ़ोटो ले ले गए, पर भाई अपने पास तो ऑलरेडी 2-सीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोर्शे की इलेक्ट्रिक अपकमिंग सुपर कार TN4S, ये देख लो भाई इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक चार्जर से चार्ज हो रही है। और ये है ODRS, ODR8 आई थी ना जो, उसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट समझ लो इसको। ODR8 जो विराट कोहली के पास भी थी, बहुत सारे लोगों ने रील देखी होगी वो वाली विराट कोहली की R8 की नंबर प्लेट वगैरह का जो कांड था, मतलब वो वाली R8 बेसिकली उसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट है ODRS। और ये स्कोडा की, ये तो नॉर्मल SUV है,
स्पोर्ट्स कार वो थी दो, उधर खड़ी जी वैगन मर्सिडीज। ये स्कोडा की अपकमिंग गाड़ी है, इसका नाम है एनियाक, पता नहीं क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको। और ये फॉक्सवैगन की वर्चस तो पर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, ये अपकमिंग मॉडल होगा नया वाला फॉक्सवैगन का वर्चस का। तो गाड़ियाँ देख ली, अभी देखते हैं भाई इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक टेम्पू ट्रेला, इलेक्ट्रिक आइसर का टेम्पू, और ये भाई वोल्वो ने ढक रखा है इसके अंदर, पता नहीं ऐसा क्या है। लोग ही लोग भाई ऐसे देखना, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ मोटर एक्सपो में, आज से पहले कभी मोटर एक्सपो में मैं आया ही नहीं था गाइज, लगता था नोएडा में। हालांकि ये वाला ट्रक मस्त लग रहा है यार, ऐसा नहीं लग रहा विदेश में आ गया मैं। ये वाला ट्रक अच्छा है, ये है वोल्वो का, सही है। और ये भाई वोल्वो की बस, कितनी लंबी बस है भाई, ये भाई सरकारी बस है, सरकारी ने सही खरीदी होगी बस, हैं यही चलती है फिर। यहाँ भी भाई बसे ही बसे। ये भाई पिकअप टेम्पू ट्रैवलर, सॉरी पिकअप टेम्पू जो होते हैं ना पिकअप वाले वे। तो भाई हॉल नंबर एक से एग्जिट हो गई है, और है ना मस्त मस्त गाड़ियाँ दिखाई ना। जो मेरे को मस्त लगी सबसे, वो लगी मेरे को जो मर्सिडीज की टू सीटर आ रही है ना, टू सीटर नहीं है तो वो फोर सीटर बट कन्वर्टेबल है, तो वो एक नंबर लगी। और भाई अपकमिंग लैम्बोर्गिनी भी मस्त लगी, जी वैगन भी अच्छी लगी, और जो पोर्शे की दिखाई थी टेकन वो भी अच्छी लगी। तो ये अपकमिंग गाड़ियाँ थी भाई जो अभी आ रही हैं लग्जरी ब्रांड्स की। तो भाई गाड़ियाँ वाड़ियाँ देख ली, मैं आ गया वहाँ से जल्दी, बहुत सारे फैंस वगैरह मिलने लग गए थे, तो अब बस गाड़ियों से तो मिल लिया, गाड़ी या देख ली, फैंस से भी मिल लिया, अब मिलना है मोदी जी से। तो अभी मैं भारत मंडपम में अंदर एंट्री ले रहा हूँ, और अभी 2:30 हो गया, आधे घंटे में कुछ खा लूँगा, और आधा घंटा वेट करने के बाद फिर 3 शायद मोदी जी आएंगे। तो देख सकते हो भाई ऑटो एक्सपो में था बहुत ज़्यादा क्राउड भीड़, पर यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड गेस्ट ही आते हैं जो इनवाइटेड होते हैं, जैसे कि तुम्हारा भाई, तो यहाँ पे इसलिए बहुत कम क्राउड आपको देखने को मिल रहा है। देखो कितना खाली पड़ा है यह सारा, और वहाँ पे पीछे बहुत ज़्यादा क्राउड था जहाँ पे ऑटो एक्सपो था, जहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियों का सब था। तो भाई टाइम हो गया 2:37, और ये है भारत मंडपम का हॉल, इसी के अंदर मोदी जी का इवेंट है, इसी के अंदर जाना है मुझे, तो अभी एंट्री लूँगा गाइज। बस एक बीटी हो गई मेरे साथ, बीटी ये होगी कि भूख लगी है बहुत तेज, और मैंने एंट्री कर ली भारत मंडपम के अंदर। अब यहाँ पे आके पता लग रहा है कि यहाँ अंदर कुछ खाने का नहीं है, सब बाहर है ना, जितने भी सब कुछ खाने का बाहर ही है। तो भाई अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं वापस से बाहर जाऊँ फिर खा के फिर आऊँ, अब मैं पहले इवेंट अटेंड करूँगा उसके बाद ही कुछ खाऊँगा। भाई एक नंबर फ्लोर मैट बिछा रखा है, बिल्कुल सॉफ्ट नरम गद्दम पूरे इसमें भारत मंडपम में। तो गाइज एंट्री होगी हमारी, Prime Minister arrives at Bharat Mandapam. We will take it forward. Ladies and gentlemen, please welcome Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. Bharat ke mananiya Pradhanmantri Shri Narendra Modi ji ka sabhagar mein aagman. Aapki garimamayi upasthiti ke liye aapka aabhar, mananiya Pradhanmantri ji. नमस्कार एंड गुड इवनिंग। एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑन दिस ओकेजन वी आर ऑनर्ड बाय योर ग्रेशियस प्रेजेंस, लेट अस ग्रीट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विद लाउड अप्लॉज वंस अगेन। और आज के इस अवसर पर हम मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण का भी आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। श्री पीयूष गोयल, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स। श्री नितिन गडकरी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। श्री हरदीप सिंह पुरी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज। Shri Narayan Tathurani, Honorable Minister of Micro, Small and Medium Enterprises. And we extend warm welcome to all the industry leaders, industry associations, stakeholders from automotive industry, from India and across the world. Bharat aur vishwa ke sarvadhik lokpriya jan neta jinhone sadaiv rashtra nirman ke liye swayam ko samarpit kiya, deshi vikas और अमृतकाल में तेजी से
विकसित भारत बनाने के लिए पूरी निष्ठा और कर्तव्य भावना से आगे बढ़ रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी टू एड्रेस द ऑगस्ट गैदरिंग। अभी मैं पीयूष जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आप आए तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, लेकिन मैं देख रहा था यहाँ तो सारे हॉर्स पावर लोग वाले बैठे हैं। चलिए समझदार को इशारा कर आप लोग तो मोबिलिटी की दुनिया है, तो ये इशारा देश में जल्दी से पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए हृदय से साधुवाद। आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए, प्रेरणादायी शब्दों के लिए, ऊर्जापूर्ण संबोधन के लिए आगे बढ़कर उन लक्ष्य को हासिल करेगा भारत। तो गाइस इवेंट से वापस आ गया हूँ, मतलब अभी तो मैं बाहर आ गया हूँ, और क्या बात हुई, मोदी जी ने क्या क्या बोला सब बताऊँगा घर जाके, क्योंकि अभी मेरे फ़ोन में सिर्फ 5% बैटरी है और मुझे घर भी जाना है, तो घर जाके बताऊँगा सब कुछ। तो गाइस घर पहुँच गया हूँ वापस, और भाई बहुत अच्छा इवेंट था मोटो एक्सपो का, और मोदी जी से भी अच्छी रही भाई मुलाकात। अच्छा, मोदी जी ने बताया कि भाई अपकमिंग जो इंडिया में आने वाला टाइम, वो आने वाला है ईवी का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार्स का, और अपने घरों पे मतलब वो लगा सकते हो आप बड़ी सुविधा के साथ सोलर पैनल्स, ताकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी घर में घुसे और ईवी से, मतलब ईवी गाड़ी सोलर पैनल से चार्ज हो जाए। और भाई ये मतलब लोगों को एक संदेश दिया प्रधानमंत्री जी ने कि इंडिया में रबड़ मैन्युफैक्चर हो, जो इंडिया के किसान हैं वो रबड़ के प्लांट्स उगाएं और इंडिया की रबड़ इंडिया में यूज़ हो, बाहर से रबड़ एक्सपोर्ट ना कराई जाए। तो काफ़ी अच्छी अच्छी देश के लिए चीज़ें बताई, सोची और करी, आदि अभी कर रहे हैं और इन फ्यूचर और भी करेंगे। तो भाई काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। चलो गाइज, अभी तो भाई बहुत थक गया हूँ, अभी जस्ट घर पहुँचा हूँ, और टाइम पता है क्या हो रहा है, हाँ टाइम हो रहा है भाई 12 बज चुके हैं। अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब सब कर देना है। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सब खुश रहो और बोलो जय श्री राम, बाय गाइज़।